नमस्कार बच्चों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम 26 जून और 27 जून 2023 को दो शिफ्ट में आयोजित कराया गया था। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं 2018 का कट ऑफ क्या था और इसी के साथ 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। यदि आपकी डिमांड होगी तो आप सबके लिए मैं चारों शिफ्ट का ऑफिशियल आंसर की का एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि कभी भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो तो आप सब उसे आसानी से देख सकें, जिससे कि एक रणनीति बनाने में आप सबको मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, आपको मैं बताता चलूँ कि वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का पेपर दो दिन चला अलग अलग शिफ्ट में। ऐसे में आप सबको बता दूं, जब भी एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन चांसेस 99% हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को समझने से पहले एक बार हम पहले के कट ऑफ पे नज़र डालते हैं। 2018 का जो कट ऑफ जारी हुआ था, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, जनरल का 2018 में 211 गया था, एससी का 185 गया था, एसटी का 168 गया था, ओबीसी का 205 गया था। अब समझने वाली बात यह है बच्चों कि यह 2018 का कट ऑफ है। अब 2023 की हम बात करें तो 2023 में देखिए, सबसे पहले तो अटेंडेंस की बात करें तो उस समय अटेंडेंस 100% था, और वहीं 2023 में जो अटेंडेंस था वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30-35% ही अटेंडेंस था। बहुत सारे बच्चों की तैयारी नहीं थी, बहुत सारे बच्चों को उम्मीद भी नहीं था कि ये दोबारा एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे बच्चे तो एग्ज़ाम छोड़ दिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो एग्ज़ाम सेंटर पे लेट से पहुंचे, जिनकी वजह से उनका एग्ज़ाम छूट गया। तो कुल मिलाकर 30-35% ही अटेंडेंस था। अब देखिए, ये तो रही अटेंडेंस की बात। सेंटर पर कुछ बच्चों ने बताया कि पेपर का लेवल हार्ड था, यानी कि 26 जून की अगर फर्स्ट शिफ्ट की को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल बाकी जितने भी पेपर हुए सब थोड़ा टफ थे। तो इन सब को देखते हुए, यानी कि बच्चों के अटेंडेंस को और क्वेश्चन के पेपर के लेवल को देखते हुए हम 2018 से 23 का कंपेयर करें, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका जो कट ऑफ जाने वाला है, आइए हम उसको देखते हैं। इस ग्राफ के अनुसार देखिए, 23 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, जनरल का जो कट ऑफ जाएगा 195 से 210 के बीच होने वाला है। वहीं अगर एससी की बात करें तो 175 से 180 के बीच रहेगा, एसटी की बात करें तो 160 से 170 के बीच जाएगा, और वहीं ओबीसी की बात करें 195 से 205 के बीच कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम एक नज़र सब्जेक्ट पे डाले तो देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा 38 क्वेश्चन ही बच्चे कर पाएंगे, 38 से 40 क्वेश्चन। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, और आपका जीएस में 30 से 32 क्वेश्चन। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके कुल 105 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके ये जो कट ऑफ हैं ये एकदम जेन्युइन मैंने बताए हैं बच्चों, और बाकी तो आयोग तो जारी करने ही वाला है, लेकिन ये कंफर्म है कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। बाकी आप सब भी कमेंट में बताइएगा कि आप सबकी भी क्या राय है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा।